दिल्ली में भाजपा ही एलजी है और एलजी ही भाजपा है, ये बात अब पानी की तरह साफ हो चुकी है। जिस तरह भाजपा दिन रात अपनी करतूतों को छिपाने के लिए जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए अपना चेहरा चमकाने में लगाती है, ठीक उसी तरह दिल्ली के एलजी साहब भी 1.5 करोड़ रुपए हर साल सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए खर्च करेंगे। जी हाँ, इसके लिए बीजेपी के एलजी ने बकायदा एक कंपनी को हायर करने का टेंडर निकाला है, जो एलजी का झूठा चेहरा चमकाने का काम करेगी। लेकिन क्या एलजी ने दिल्ली विधानसभा, जो दिल्ली की जनता की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें इसके लिए बजट पास करवाया है? जवाब है नहीं। एक तरफ केजरीवाल सरकार जनता के पैसे से जनता के लिए मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, स्कूल, फ्री बिजली पानी दे रही है, तो वहीं भाजपा के एलजी जनता के पैसे से अपना चेहरा चमकाने में लगे हैं। मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में डॉक्टर्स की भर्ती ना करके झूठ फैलाने का ठेका दे रहे हैं। जनता की सुरक्षा में तैनात बस मार्शल को हटाकर उस पैसे से दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी के साथ मिलकर अपने राजनीतिक मंसूबे साध रहे हैं। भाजपा की भक्ति में अंधे एलजी विनय सक्सेना समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सरकारी पद पर बैठे हैं जब भाजपा की ट्रोल आर्मी के सेनापति बन गए हैं। शायद भूल गए हैं कि केजरीवाल सरकार ने बीजेपी और एलजी के सारे झूठे षड्यंत्रों को जनता के सामने एक्सपोज कर दिया है। तो अब एलजी महोदय, आप कितना भी चेहरा चमकाने की कोशिश कर लें, लेकिन दिल्ली और देश की जनता आपकी और आपकी बीजेपी की हकीकत जान चुकी है।